तैयारी में जुटी बीजेपी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पार्टी के बड़े नेता गांव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का सूत्र बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शुरुआत गुना जिले के गांव से की। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर सवाल पूछ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ग्रामीण मतदाताओं पर है। चलो गांव की ओर अभियान का नारा देकर बीजेपी नेता शहर छोड़ गांव का रुख कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत के लिए दिग्विजय सिंह के गढ़ को चुना। वीडी शर्मा गुना जिले में राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आवन गाँव पहुँचे। यहाँ ग्रामीणों के साथ 24 घंटे बिताए, चुनाव, सरकार और विकास की योजनाओं पर ग्रामीणों से चर्चा की। सुबह गांव के मंदिर में पोछा लगाया, गांव में झाड़ू लगाया और ग्रामीण छात्रों के साथ योग अभ्यास भी किया। नहीं है, जलवा सब खत्म हो गए, जनता ने सब खत्म कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में परिवारवाद को खत्म कर दिया है। राधोगढ़ का भी परिवारवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। जनता की यहाँ की डिमांड है और जनता इस बात को चाहती है। और न यहाँ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़। आवन गांव में बैठकर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के गढ़ को नकार दिया। लगे हाथ इसी गांव से प्रदेश के आदिवासियों को संदेश दिया कि आजादी के बाद से मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने आदिवासियों के बारे में सोचा, उन्हें सम्मान दिया और उनके विकास के लिए संजीदा है। आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से उनके उत्थान के लिए काम किया है। चाहे पैसा एक्ट कानून की बात हो, चाहे आदिवासी समाज को गौरव दिवस के माध्यम से सम्मान देने की बात हो, आदिवासी क्रांतिकारियों को भारत के अंदर मान सम्मान से लेकर के उन्हें स्थान दिलाने की बात हो। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी शहरी वोटर्स के साथ ग्रामीण मतदाताओं को साधने का अभियान चला रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता पक्ष के अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी के अभियान, दावे और वादे को हवा हवाई बता रही है। प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को झाबुआ आ रहे हैं मेरी विधानसभा में, उनका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो आदिवासियों पर पूरी ताकत से अपनी बात रखें और सिर्फ भाषण तक सीमित ना रहे। और जिस तरह से जल, जंगल, जमीन का अधिकार और पैसा कानून कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने करा है, ये निश्चित तौर पर इस चीज पर उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए। एमपी में सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए सियासी दलों का दांव पेंच जारी है। बीजेपी का गांव चलो अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है। पार्टी एक तरफ ज्वाइनिंग अभियान के जरिए विरोधी दलों के नेताओं का अपने पाले में खींच रही है, वहीं गांव चलो अभियान के जरिए ग्रामीण मतदाताओं को अपने पाले में कर कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रपों की सियासी जमीन छीन लेना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी आलोचनाओं और बैठकों के दौर से आगे निकलती नजर नहीं आ रही। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, मध्य प्रदेश।